हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव। वेलकम टू बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई डियर फ्रेंड, एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट 2018 का वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। अप्रोक्सीमेट 1400 to 1500 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। इस वीडियो में फ्रेंड इंपॉर्टेंट एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका कटअप से 2.20 से लेकर के 4 के बीच में अगर आपका कम था तो आपका सेकेंड और थर्ड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन जो आई थी उसमें लिखा था 50% जो सीट थी वो रिजर्व थी, ये स्टेट वाइज, स्टेट कैटेगरी वाइज। यानी अभी फर्स्ट लिस्ट आई है उसी का, जो स्टूडेंट रिजाइन कर दिए थे और जो स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे उनका फर्स्ट लिस्ट आया है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आगे बात करेंगे कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और कितना आपका कटअप से कम मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 1.5 भी था कम, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसको भी हम एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये लिस्ट आने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है 2019 में एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आने की। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 20 जनवरी को आने थी, 21 जनवरी को आई। इसमें अप्रोक्सीमेट 1500 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अभी जो सेकेंड लिस्ट है इसमें सेकेंड लिस्ट जो है 20 अप्रैल को आने वाली है और थर्ड लिस्ट 20 अगस्त को आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं फ्रेंड। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जो हमारे महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट थे उनका 2.20 तक जनरल के स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो गया। यानी अभी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट जो है 2.20 के आगे अगर 4 तक, यानी कटअप से 2.20 से लेकर के 4 मार्क्स तक कम है तो उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, कुछ ऐसे कुछ और भी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश के भी स्टूडेंट थे उनका 2.20 तक हो गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जो स्टूडेंट मुझे जानते थे। और बाकी यूपी वगैरह के भी स्टूडेंट 1.5 तक हुआ है, गुजरात का भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट का 1.5 तक हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1.05 तक होने के बाद भी नहीं हुआ है। उसका दो फैक्टर है फ्रेंड, एक तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर रिजाइनिंग जो थे और जो थे वो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं हो पाया होगा, या वहाँ की वैकेंसी कम थी तो सेकेंड और थर्ड लिस्ट में पूरी चांस है। और दूसरा फैक्टर है फ्रेंड कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनका कटअप हाई रहता है तो उनकी जो चांस, जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है बाकी के अदर जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, दूसरी बात है फ्रेंड, अभी जो लिस्ट आएगी सेकेंड लिस्ट में, अभी जो यहाँ पर जो 1500 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी और जगह ज्वाइन कर लिए होंगे, या उनका एसबीआई जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में इस बार हो गया होगा। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो सीट और भी वैकेंट रह जाएगी। तो जो सेकेंड जो लिस्ट निकलेगी और थर्ड लिस्ट निकलेगी उसमें आपकी जो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आप जो 20 अप्रैल को जो सेकेंड लिस्ट आने वाली है वहाँ तक तब तक इंतज़ार कीजिए, आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी और हो भी जाएगी। जो महाराष्ट्र के हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरह के हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, और भी बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक और इस इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इस जो लिस्ट आने से एक और कंफर्म हो जाती है कि जो लास्ट लिस्ट आएगी, लास्ट लिस्ट आने के बाद आपका अगस्त में आने के बाद जो 2019 की जो फ्रेश वैकेंसी है उसकी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और वो आएगी फ्रेंड। इस बार 2018 में वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा इस बार आएगी, तो आपको लग जाना है तैयारी में और अच्छे से पढ़ाई करना है। आपका जो बेसिक है उसको क्लियर कीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन हो गया फ्रेंड। और आप एक और बात है, आपका कितना कटअप से कम है और सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट में आपकी सिलेक्शन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको कुछ इससे मोटिवेशन मिला होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।